आज मैंने लक्ष्य दिया, शांत रहिए पीछे, स्कूल पर हम आज से कुछ दिनों पूर्व हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, आज से कमलेश भाई वाला हाथ मत लगाइए, अपना आवागमन सुचारू रूप से करें। तो चूंकि निर्माण प्रक्रिया अंतिम दौर में है, तो इन लोगों ने बताया कि हमें एक हफ्ते 8-10 दिन का और वक्त चाहिए, तो स्वाभाविक है कोई तकनीकी कमी ना हो जाए, वक्त देना लगी जरूरी था। लेकिन मैं चंदौली की जनता के हित में यहाँ भौतिक निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। कब तक उम्मीद है लोकार्पण का? इसका आज मैंने डिसाइड किया है और अधिकारियों से वार्ता हो गई है, 5 जनवरी को इसका लोकार्पण होगा। दूसरा एक 5 जनवरी 2022 को ओएसी का एक बयान आया है, बड़ा विवादित, उन्होंने पुलिस को धमकी देते हुए एक बयान दिया है, यूपी पुलिस को धमकी देते हुए एक बयान आया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए ओएसी वगैरह कुछ नेता इस प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, ऐसे किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा, सख्त कदम उठाए जाएंगे जो लोग भी उत्तर प्रदेश का शांति और सौहार्द खराब करने की कोशिश करेंगे। तथा कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है, चुनाव आयोग के बहुत से दलों ने निवेदन भी किया है कि कोरोना काल में चुनाव को टाला जाए, आगे बढ़ाया जाए, या तो सुरक्षा पुख्ता किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार, देश की सरकार कोरोना के लिए सावधानियों पर, इलाज पर, तैयारियों पर सजग है और लगातार जिम्मेवारी से सारी तैयारी हो रही है। जहां तक चुनाव का विषय है, चुनाव करना, कराना, तिथि, कार्यक्रम, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का विषय है, वो जैसा तय करेगा वही देश को मानना पड़ेगा और सभी लोग मानेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम सबके मन में पूरा आदर सम्मान है। अखिलेश यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी इस 2022 के चुनाव में सफा है उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की लापता है, जबरदस्ती और दुरुपयोग मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सत्ता है और लोकप्रिय सरकार है, और 2022 में भी योगी जी की अगुवाई में भाजपा जनता की भी काफ़ी अच्छी है। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सत्ता है और लोकप्रिय सरकार है, और 2022 में भी योगी जी की अगुवाई में भाजपा जनता की सेवा के लिए सत्ता में रहेगी। उत्तराखंड में भी एक बयान आया था, धर्म संसद चल रहा था, वहाँ पर इस तरह का बयान आया कि मुसलमानों का कत्ल करने को भी तैयार होंगे। चुनाव आता है तो इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, किस तरह से देखते हैं? ऐसे जो भी बयान समाज के अंदर किसी भी वातावरण को विषाक्त करते हैं, वो बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता, ये सभी बयानों को हम सब खारिज करते हैं। ऐसे बयानों पर कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे? मैंने कहा ना कि सरकार हर जगह सन्नद्ध है, कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष के ऊपर उत्तर प्रदेश शासन सक्रिय है, जिम्मेवार है, सच है।